गाइस वेलकम टू अवर चैनल दास एंड फैमिली ब्लॉग। आज हम क्या क्या बना रहे हैं आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हमारा सुमित नाश्ता कर रहा है, रोटी आलू भुजिया खा लिया है, अब वो खा रहा मूढ़ी आलू भुजिया और चिकन। तो यहाँ बाजार गए थे सुमित के पापा, तो वो लेके आए हैं मुनगा साग। यहाँ है बरबट्टी और कुंदरू, कुंदरू और बरबट्टी इधर रखा हुआ, अदरक लहसुन। और यहाँ है तोजो का चिकन। तो अभी तोजो का चिकन गरम करके तोजो को खिला लेते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। यहाँ कल बना था हमारा दही बड़ा और पुआ, तो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। तो चिकन हम यहाँ गैस पर चढ़ा दिए हैं गरम होने के लिए, तोजो को खिलाएंगे। और यहाँ है मछली, आज हमारा बनेगा मछली। कल बना था चिकन, मटन दोनों बना था, आज बनेगा मछली। और यहाँ तोजो का है कलेजी, वो चिकन उकन नहीं खाता है, वो खाता है कलेजी। कलेजी नहीं होगा तो वो खाना नहीं खाएगा, रोटी भी नहीं चावल भी नहीं। तो आज हमारा बनेगा मछली का झोल, तोजो के लिए चिकन और मुनगा भाजी। तो यहाँ तोजो का चिकन गरम होने का रख दिए हैं, ये गरम हो गया है, थोड़ा सा है अभी, भर का चलेगा, अभी खा लेगा, फिर वो बना के देंगे। जो कच्चा वाला है उसको बनाएंगे, वो फिर शाम को खाएगा वो। और इधर है तोजो का रोटी, जो इसे पानी में भिंजा के रखते हैं इसको, तब जाकर तोजो खाता है। इसको पानी में भिंजा के चिकन के साथ मिला के, चिकन नहीं कलेजी, कलेजी का साथ मिला के देने से तब वो खाता है, चिकन नहीं खाएगा, उसको कलेजी चाहिए। कलेजी अगर नहीं मिलेगा तो उसका उपवास हो जाता है उस दिन वो फास्टिंग कर लेता है। तो चलिए आगे क्या क्या करते हैं आपको दिखाएंगे। तो गाइस दिखाते हैं सुमित क्या कर रहा है। ये देखिए सुमित यहाँ मछली को धो रहा है, बोल रहा आज मछली हम धोएंगे। ये देखिए मछली धो रहा है, उसके बाद तोजो का चिकन जो है कलेजी सब उसको छोटा छोटा कट करेगा, छोटे छोटे पीस में कट करेगा उसको। तो गाइस यहीं पर ही हम लोगों का किचन बोलिए या बाथरूम बोलिए, दोनों एक ही में अटैच है हम लोग का, सब यहीं होता है, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, क्योंकि छोटा सा जगह है इसीलिए। एक्चुअली ये एक किचन ही है हम लोग का, लेकिन यहाँ बाथरूम नहीं है, बाथरूम छोटा सा है तो वहाँ कोई नहाता नहीं है और उधर कोई जाने नहीं खोजता, वो थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगता है, इसलिए सब यहीं पर ही होता है हम लोग का, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, नहाना, खाना बनाना, सब इसी में होता है। तो देखिए सुमित कितने अच्छे से मछली क्लीन कर रहा है, ये देखिए सुमित को खाने में बहुत पसंद है ना, हर चीज़ खाना बहुत अच्छा लगता है उसको, चिकन हो या मछली हो या सब्जी हो, कुछ भी, कोई सा भी सब्जी वो खा लेता है, इसीलिए उसको काम करने में भी अच्छा लगता है, मछली धोना, चिकन धोना। मार्केट से भी लेके आता है चिकन मछली, खरीद के लेके भी आता है। आज दुकान बंद है ना, इसीलिए सुमित आज मछली धोने में लगा हुआ है, वरना सुमित रहता नहीं है इस टाइम, वो दुकान में रहता है। तो गाइस दिखाएंगे आपको किस तरीके से हम मछली का झोल बनाएंगे, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा रिच खाना बन गया था, तो आज सबका डिमांड है कि मछली का झोल बनाइए, वो भी एकदम पतला झोल, मसाला कम, तेल कम, झाल कम डाल के बनाने बोल रहा है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा रिच खाना हो गया था। तो यहाँ हमारा मछली फ्राई हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस ये हम सुमित यहाँ हमारा मछली धो करके अच्छे से नमक और हल्दी इसमें डाल के मैरिनेट कर दिया था, तो हम मछली को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा मछली अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लिए हैं, इसे हम अब
एक गमले में निकाल लिए हैं। अब दूसरी बार भी उसी तरह से सेम प्रोसेस से मछली को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से मछली फ्राई कीजिएगा तो मछली का झोल खाने में अच्छा लगेगा। मुनगा भाजी ये देखिए हमारा अच्छी तरह से साफ हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं मछली अच्छा से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे। ये देखिए हमारा मछली। अब हम उसी तेल में डाल देंगे थोड़ा सा चीनी कलर के लिए। अब हम डाल देंगे प्याज जो हम लोग छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हैं। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम डालेंगे कटा हुआ आलू। प्याज और आलू अच्छी तरह से हम लोग भून लेंगे। तो गाइस यह हमारा आलू और प्याज अच्छे से देखिए फ्राई हो चुका है। तो यहीं पर ही अब हम डालेंगे हमने पीस के रखे हैं मसाले, वो डालेंगे। इसमें है जीरा, गोलकी, सरसों, मिर्चा, अदरक और लहसुन जो अच्छे से फाइन पेस्ट बना के रखे हैं उसको हम डालेंगे। जितने इसकी ज़रूरत उतने डालेंगे, हम ज़्यादा पीस लिए हैं तो पूरा नहीं डालेंगे। अब अच्छे से इसे हम मिला लेंगे। नहीं पर डालेंगे थोड़ा हल्का सा पानी ताकि हमारा मसाला जले नहीं। मसाला को रख के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम कुछ देर के लिए इसे ढक देंगे ताकि आलू हमारा अच्छे से पके। ताकि आलू हमारा थोड़ा बहुत पक जाए उसके बाद पानी डालेंगे तो अच्छे से पक जाएंगे। इधर गाइस हम लोगों ने चावल भी चढ़ा दिए हैं। ये देखिए चावल चढ़ा दिए हैं। और आज हम बनाएंगे मुनगा भाजी और मसूर दाल डाल के उसका भाजी बनाएंगे। तो गाइस अब ढक्कन हटा के हम एक बार इसको चला लेते हैं ताकि मसाला हमारा जले नहीं। अब इसे हम ढक्कन खोल के आराम से भून लेते हैं, अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इससे तेल सेपरेट नहीं हो जाता। ज़्यादा फ्राई भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सरसों मिला हुआ है। सरसों को ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो फिर तीखा हो जाता है, मसाला तीखा हो जाएगा, फिर मछली का झोल खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस यहाँ पर ही हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर जो हमने काट के रखे हैं, धो के अच्छे से काट लिए हैं ताकि टमाटर भी हमारा अच्छे से गल जाए, मसाले के साथ फ्राई हो जाए, गल जाए। तो आलू मसाला और टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो गाइस आपको अगर हम लोग हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको उत्साह होगा और हम नया नया वीडियो डालेंगे।
आप लोग प्लीज सब्सक्राइब किया कीजिए। इसका फ्लेम अभी हम यहाँ पर मीडियम पर रखे हुए हैं, थोड़ा सा मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हाई हीट में पकाएंगे तो मसाला जल जाएगा और अच्छे से पकेगा भी नहीं। हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। तो इसी टाइम हम डाल देंगे हल्का सा गरम मसाला पाउडर। आपको अगर ना पसंद हो तो आप ना डालें। गरम मसाला डाल के हम अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे क्योंकि आलू अभी हमारा अच्छे से पके नहीं है। पानी डाल देंगे तो अच्छे से पक जाएंगे। थोड़े बहुत पके हैं, पानी डालने से पूरा पक जाएगा। तो आप झोल का हिसाब से ही पानी डालिए, जिस तरीके का ग्रेवी आपको पसंद है उतना ही पानी डालिए। हम तो यहाँ पतला झोल बनाएंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा ही पानी ऐड किए हैं। ये देखिए अब आलू अच्छे से पक जाए तब तक के लिए हम वेट करते हैं, इसको कवर करके छोड़ देते हैं। यहाँ हम चेक कर लेते हैं आलू हमारा अच्छे से बॉईल हुआ कि नहीं। तो देखिए आलू हमारा पूरा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब यहीं पर ही हम डालेंगे जो मछली फ्राई करके रखे थे वो डाल देते हैं। सारा का सारा मछली डाल दिए। अब यहीं पर ही डालेंगे हम कटा हुआ धनिया जो धो के हमने काट के रखे हुए हैं। अब धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेते हैं और एक उबाल आने का वेट करते हैं। यहाँ हमारा मछली अच्छे से उबल चुका है, अब इसे हम उतार लेते हैं, एक दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमारा मछली का झोल बनकर बिल्कुल रेडी है। तो कैसा लग रहा है आप लोग देखिए, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर।